दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 29 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट जीके का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा गया था वो लेकर आए हैं। दोस्तों, ये एनटीपीसी की जो परीक्षा हो रही है उसमें आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। बारी दोआब किन दो नदियों के बीच में है? रावी और ब्यास नदियों के बीच में बारी दोआब है। ये पंजाब और पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। पंजाब जो कि कुछ पार्ट भारत में है और कुछ पार्ट इसका पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान और भारत में मिलाकर कई नदियां बहती हैं, जैसे चिनाब, झेलम, रावी, सतलज और सिंधु नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 35 से संविधान में कब जोड़ा गया था? अनुच्छेद 35 से 1954 में जोड़ा गया था, जो कि 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, हाट मेल की स्थापना कब हुई थी? हाट मेल की स्थापना सबीर भाटिया, जो कि एक भारतीय थे, के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, दाद रिंग वार्म किससे संबंधित है? दाद या रिंग वार्म जो कि कवक या फंगस द्वारा होता है। कवक और फंगस के अन्य रोग भी होते हैं, जैसे डेंड्रफ, रूसी का हो जाना, एड़ियों के बीच में दरार पर फटना, ये सब कवक के द्वारा होता है। जैसे रोटी पर सफ़ेद फबूप लग जाना, ये भी कवक के ही कारण होता है। मशरूम जो कि खाया जाने वाला एक कवक है, आदि। अगला क्वेश्चन, 2020 तक आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक कौन हैं? तो ये यम राजेश्वर राव आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक हैं। मेची नदी किसकी सहायक नदी है? मेची नदी महानंदा नदी की सहायक नदी है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार में प्रतीक स्वरूप किसकी प्रतिमा दी जाती है? वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा, जो कि माता सरस्वती को वाग देवी भी कहा जाता है, कि कांस्य प्रतिमा दी जाती है। अगला क्वेश्चन, एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन, संघाई कॉरपोरेशन एससीओ का गठन कब हुआ था? एससीओ का गठन 2001 में हुआ था, जिसका मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ था। बीजिंग जो कि चीन की राजधानी के साथ साथ एक बहुत बड़ा शहर भी है और चीन की आर्थिक राजधानी संघाई है, जो कि चीन का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। चीन से ही अभी कोविड-19 का प्रसार हुआ था, जो कि हुबई फ्रांस की राजधानी वुहान से हुआ था। वुहान शहर वांग्यू नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, पूना पैक्ट समझौता किसके लिए हुआ था? पूना पैक्ट समझौता डिस्प्रेस्ड क्लास के लिए हुआ था, जो जिनके बीच में हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन, रबिया दुर्रानी किसका नाम था? दिलास बानो बेगम का नाम रबिया दुर्रानी था। धर्मसभा के संस्थापक कौन थे? धर्मसभा के संस्थापक राधाकांत देव थे, जो कि ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय के समकालीन थे। चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष माधवन नायर थे। चंद्रयान टू के लॉन्च के समय के सीवन थे। अगला क्वेश्चन, किस देश के उपराष्ट्रपति को डिटेक्शन सेंटर भेजा गया है? मालदीव के राष्ट्रपति को भेजा गया है। मालदीव की राजधानी माले है, जो कि एक एटॉल यानी कि मूंगा चट्टान से निर्मित द्वीप है। मूंगा चट्टान वो चट्टान होती है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में एक जीव रहता है, उसी के द्वारा जब वो मर जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट की परत दर परत जमती चली जाती है, ऐसे एटॉल द्वीप का निर्माण होता है।
विश्व की सबसे बड़ी एटॉल द्वीप ग्रेट बैरियर द्वीप है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। अगला क्वेश्चन, यूएनओ को किस वर्ष नोबल प्राइज दिया गया था? तो 2001 में नोबल पुरस्कार दिया गया था। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, रायतू भरोसा ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये कृषि से संबंधित है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन, हाथियों के इलाज के लिए अस्पताल कहाँ खोला गया है? तो मथुरा में खोला गया है। अगर पूछेगा कि हाथियों के पुनर्वास किस स्थान पर खोले गए हैं, तो वो हो जाएगा आपको केरल। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? दोस्तों अभी हमने बताया था कि संयुक्त राष्ट्र का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, सर्विस टैक्स के साथ 0.5% अतिरिक्त टैक्स या उत्पाद किसके लिए लिया जाता है? तो ये क्लीन इंडिया अभियान के तहत लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा में कौन नहीं होता है? यानी स्त्री अम्लीय वर्षा में नहीं होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाली एनटीपीसी परीक्षा के लिए, तो इसको अच्छी तरह से आप लोग याद कर लें, देख कर जाएं, और कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।